नमस्ते, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कैप्सिकम पकौड़ा या शिमला मिर्च के पकौड़े। शिमला मिर्च के पकौड़े खाने में बहुत ही लाजवाब है, आप इसे घर पे बना सकते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं शिमला मिर्च पकौड़ा, कैप्सिकम पकौड़ा। यहाँ पे मैंने एक छोटा कटोरी बेसन ले लिया है। अब मैं एक चम्मच बड़ा चम्मच चावल का आटा दे रही हूँ, इससे क्या होगा, क्रिस्पी होगा। थोड़ा सा नमक दे दिया, थोड़ा सा चीनी दे दिया मैं, थोड़ा सा अजवाइन दे रही हूँ, ये ऑप्शनल है। हल्दी पाउडर दे रही हूँ, थोड़ा सा बेकिंग सोडा दे रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है। अब मैं सब कुछ बहुत अच्छे से मिला लूँगी। अब थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर मैं पानी ऐड कर रही हूँ और एक घोल में यहाँ पर बना लूँगी शिमला मिर्च पकौड़े के लिए। कैप्सिकम पकौड़ा बहुत स्वादिष्ट है और इसका घोल देखिए बनके तैयार है। आप चाहो तो इसे और भी पानी डाल के मीडियम लेंथ का एक घोल आप बना सकते हैं। हमारा बेसन का घोल बनके तैयार है। मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ले लिया है और शिमला मिर्च को मैं देखिए आप मैंने बारीक काट लिया है। आप चाहो तो कोई भी शेप में काट सकते हो, आपकी मनपसंद शेप में आप काट सकते हो शिमला मिर्च को। मैंने बारीक काट लिया है यहाँ पे शिमला मिर्च को। और यहाँ पे मैं घोल को एक छोटा कटोरी में ले लिया हूँ और अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप घोल के साथ शिमला मिर्च को अच्छे से मिला लीजिए। मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च को मिला दिया है अच्छे से बेसन के घोल के साथ। अब मैं यहाँ पे कढ़ाई पे रिफाइंड तेल गरम कर लूँगी और मैं ये शिमला मिर्च का पकौड़ा तल लूँगी। बहुत ही आसान है ये बनाना। चलिए, अब कढ़ाई पे तेल गरम हो चुका है। अब मैं छोटा छोटा करके चम्मच से मिश्रण उठा के मैं गरम तेल में डाल दूँगी। देखिए मैं जैसे कर रही हूँ आप वैसे कीजिए। चम्मच से छोटा छोटा करके मिश्रण आप चम्मच से लेके इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप मिश्रण चम्मच से लेके आप गरम तेल में डाल दीजिए। इस वक्त आप जो आँच है वो आप लो कर दीजिए, वरना बेसन क्या होगा, कच्चा रहेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा पलट रही हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसको मैं हल्का ब्राउन करके तल लूँगी। ठीक है, शिमला मिर्च को मैं हल्का ब्राउन करके तल लूँगी। आप शिमला मिर्च को हल्का ब्राउन करके तल लीजिए। देखिए ये हल्का ब्राउन कलर आ चुका है, तो मैंने इसको पलट दिया है और दूसरी तरफ मैं इसको तल लूँगी हल्का ब्राउन करके। हमारा दोनों तरफ हल्का ब्राउन कलर आ गया है, आप देख ही सकते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है शिमला मिर्च पकौड़ा का। और इस तरीके से मैं और भी जितना भी मिश्रण है उसको मैं तल लूँगी, शिमला मिर्च का पकौड़ा बना के तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण चम्मच से लेके डाल दिया हूँ और इसको मैं हल्का ब्राउन करके तल लूँगी। तो हमारा शिमला मिर्च का पकौड़ा बन के तैयार हो जाएगा। जितना भी है पकौड़ा, जितना भी यहाँ पर मिश्रण है, आप उसे ऐसे करके तल लीजिए। देखिए हल्का ब्राउन करके मैं तल रही हूँ। बस ऐसे मैं इसको पलट दूंगी और दूसरी तरफ इसको तल लूँगी, तो हमारा शिमला मिर्च का पकौड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। हमारा शिमला मिर्च का पकौड़ा बनकर तैयार हो गया है, आप देख ही सकते हैं। शिमला मिर्च पकौड़ा इन हिंदी बहुत ही आसान है इसको बनाना। कैप्सिकम फिटर बहुत ही आसान है बनाना शिमला मिर्च का पकौड़ा। आप इसे घर पे ज़रूर बनाएं और बताएं कैसे बना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपका एक्सपीरियंस खाना बनाने का आप कॉमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिर मैं नया रेसिपी लेके फिर से आऊँगी, तब तक आप अच्छे से रहिएगा। नमस्ते, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप। बाय बाय।